हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, पांव में बूट होगा। बड़े खुश नजर आ रहे हो शेखर। अरे बंदरू बात ही ऐसी है, हमारे बिहार में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, नौकरी, मकान और तो और कोरोना की वैक्सीन, और वो भी एकदम फ्री मुफतिया। खैर जब आएगी तब, पर मिलेगा जरूर, सब मिल रहा है। क्या सच में? अरे सच में बंदरू। एक लगता है कोई ट्वीट आया है, ट्वीट। ओहो हो, अरे सुशील कुमार मोदी जी, क्या हुआ, क्या भोई? क्या हुआ पूछ रहा है? अरे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। What? देखिए हम बीमारी को लेकर कोई मजाक नहीं उड़ाते, इसलिए सवेरे सवेरे जब खबर आई कि बिहार में बीजेपी के दूठो नेता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तब मन विचलित हो गया और उनके लिए ईश्वर से हमने खास तौर पे दुआ मांगी। लेकिन सुशील मोदी का ट्वीट देख के हल्का सा गुस्सा भी आ। हम पहले दिन से कह रहा हूं कि पोल खोल भी देखना है और कोरोना से भी बच के रहना, लेकिन नेता लोग मानिए नहीं रहे, गाइडलाइंस के मुताबिक आचरण नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कोरोना के शिकार भी हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो गए। और सुशील मोदी जी बिल्कुल बयान बहादुर है, बड़े मोटे मोटे बयान देते हैं। अभी हम उनका एक ठो बयान आपको दिखा रहा हूं, देखिए। मेरे मित्रों, मैं तो चुनौती देता हूं, विपक्ष को हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाइए, सड़क को मुद्दा बनाइए, पीने के पानी को मुद्दा बनाइए, कोरोना को मुद्दा बनाइए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया, कहां है कोरोना? और ये, अरे ये बिहार है मित्रों, हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है कि बिहार में केवल 950 लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद है, लेकिन 950 लोग मरे हैं। और महाराष्ट्र जहां डॉक्टर ज्यादा है, अस्पताल बढ़िया है, वह मालूम है कितने लोग मरे हैं? ए श्रीमान सुशील मोदी जी, आप किस मुगालते में रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई? आप किस तरह के मंत्री रहे हैं और क्या होता होगा आपके विभाग में? इतनी गैर जिम्मेदार बात कोई बोलता है का? What? बिहार में न ढंग का अस्पताल है, न दूसरा स्वास्थ्य सेवा है, आपके सरकार के दो मंत्रियों को कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। आप किस बिना पे इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे? इतना ही नहीं, आपकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कोरोना का टीका या तब मुफतिया मिले, मुफतिया मिलेगा, अच्छी बात है मुफतिया मिलेगा, लेकिन अभी तो ये आगे की बात है हनू, अभी तो वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं आई भी नहीं है, सिर्फ वैक्सीन की बातें हो रही हैं और आपने फ्री में लगाने का वादा भी किया। अरे हद होता है भाई, हद। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है, भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। अरे ये बात तो ठीक है मैडम कि आप लोग वैक्सीन दे देंगे और वो भी मुफतिया देंगे, लेकिन उस भीड़ का क्या कीजिएगा जो चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में आ रही है, जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ना कुछ और, और ज्यादातर लोगों को मास्क का होता है वो पते नहीं है, आज जो लोग मास्क मुंह में लगाना होता है हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं, जब पूछिए तो ऐंठ के बोलते हैं, अरे महाराज थूकना भी तो होता है बार बार, बताइए। ये
यहाँ के आम लोग ही नहीं, नेता लोग भी चुनाव प्रचार में गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे और बिहार के सभी दलों के नेताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना का लाइटली न ले, डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ज्यादा आंकड़ेबाजी न झाड़े कि हमने ये किया वो किया फलाना किया ढिमका किया। वैसे बेचारे बीजेपी वाले तो वैक्सीन का ऐलान करके बुरी तरह फंस गए, सारी विपक्षी पार्टियां अपनी आलोचना का इंजेक्शन लेकर उनके पीछे पड़ रही हैं, और बीजेपी के पीछे पड़ने वालों में हमेशा की तरह सबसे आगे हैं राहुल भैया। देखिए क्या कहा है राहुल ने, दिखाओ भैया। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। इनके अलावा और भी दौड़ रहे हैं बीजेपी के पीछे पीछे। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ, 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है, क्या छोटे मोदी को परवाह है, क्या भारत सरकार के वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उन्होंने कभी बिहार की तरफ झांक कर देखा है? झूठ बोलिए जैसा मोदी जी कह रहे थे, भाजपा बार बार झूठ बोलिए जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। टीका ट्रायल के बाद आता है, जब भी आए, लेकिन इस तरह की जुबान जो बोली जाती है ना, आप बादशाह हो क्या, राजा महाराजा हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो, और संविधान की प्रस्तावना कहती है लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य में किसी महामारी के खिलाफ का वैक्सीन खैरात की तरह नहीं जाता है, अधिकार की तरह जाता है। खैर, नेताओं का तो काम ही है वादे करना और दूसरों के वादों की सर्जरी करना, लेकिन हमारे मन में भी एक तो भोली भाली जिज्ञासा है अलाउम, और ये है कि क्या बिहार के बाद बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मतलब जहां जहां इलेक्शन होंगे बीजेपी वहां भी फ्री में वैक्सीन बांटेगी, या फिर सारे देश में ही इलेक्शन करवाना पड़ेगा वैक्सीन के लिए? नहीं नहीं, जस्ट एक तो सवाल मन में आ गया, इसलिए पूछ लिया इनोसेंटली, डोंट माइंड। बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कोरोना की वैक्सीन के भारी भरकम वादे के अलावा 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा भी किया। 19 लाख, अच्छी बात है, नौकरी देना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों बद्रू? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है शेखरू। हाँ, पर एक तो प्रॉब्लम है। वो क्या शेखू? बंदरू, प्रॉब्लम यह है कि नेता जी कह रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरी देना तो संभव ही नहीं है। ऑपोजिशन वाले तो ऐसा कहते ही रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि ऐसा ऑपोजिशन वाले नहीं बंदरू, बीजेपी के अपने ही नेता कह रहे हैं, मोदी जी, नहीं नहीं पीएम मोदी नहीं, सुशील कुमार मोदी। मोदी जी कहते हैं, ये सब लोग प्रधानमंत्री मोदी समझ लेते हैं, और अगर बात वादों की हो रही हो तो फिर तो लोग पक्का मोदी जी का मतलब पीएम मोदी ही समझते हैं। तो खैर, ये बात बीजेपी के बड़के नेता और छुटके सीएम मतलब डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कही है। सुशील कुमार मोदी जी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादों पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी दे ही नहीं सकती, और ये बात उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर कही। ये देखिए मित्रों, वोट लेने के लिए विपक्ष किस प्रकार का झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठा वायदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा, 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष वोट लेने के लिए झूठा प्रलोभन दे रहा है, तो अब आपकी पार्टी क्या दे रही है, 19 लाख का लॉलीपॉप? मतलब तेजस्वी के 10 लाख के जवाब में बीजेपी का 19,
19 नहीं बंदरू, 19 नहीं, वादे करने में तो बीजेपी 21 साबित हुई है। पर मैं हैरान हूं कि बीजेपी ने 19 लाख की जगह सीधे 20 लाख नौकरी क्यों नहीं बोला है? डबल हो जाता है एकदम, और हिसाब भी सीधा रहता, 10 दुनी 20, वादे करने में हम 21। आजकल राइमिंग बहुत बढ़िया करने लगे हो शेखर। थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये सुनो, इलेक्शन में बीजेपी ने कर दिया कमाल, एक ही झटके में दे दिए वैक्सीन, रोजगार और पक्का मकान। लेकिन ये तो सिर्फ वादे हैं शेखरू। अरे बंदरू, चुनाव में वादे ही सब कुछ होते हैं। वादे से याद आया, एक बार लालू जी ने अपना पुराना मैनिफेस्टो फिर से जारी कर दिया। जब इस ब्लंडर के बारे में लालू जी से पूछा गया तो लालू जी बोले, भाग, अरे मैनिफेस्टो से भी कहीं वोट मिलता है, बुढ़ भाग, चल भाग। बोल खोल। ना ना ना, ना। इतना गरमाना ठीक नहीं है नीतीश बाबू। ना कहा गरमा गए नीतीश बाबू, किस पर गरमा गए सिखो? अरे एक इलेक्शन रैली में गरमा गए, और इतना गरमा गए कि बोले कि वोट नहीं देना है तो मत दो। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। ये अच्छी बात नहीं। ना ना ना, रैली किसी की और नारे किसी के, पब्लिक को ये शोभा नहीं देता। माना कि नेता लोग इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी में रहते हैं और इलेक्शन के बाद किसी और में, नेताओं के लिए ठीक है कि खाया किसी का और गाया किसी का, लेकिन पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। नो, जिससे चाय समोसा और ले नारे भी उसी के लगाने चाहिए। असली बात बताओ, इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो चाय समोसे के नाम पे? असल में ये सब हम अपने नेताओं से सीखता रहता हूं बंदरू, खास करके भूमिका बांधने का तरीका। लेकिन अब ये सब छोड़कर सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। तो हुआ यूं कि नीतीश कुमार जी बिहार में परसा वोट मांगने, आपको बता दें कि परसा वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस नाते परसा तेज प्रताप जी का ससुराल है। हालांकि तेज प्रताप जी का अभी अपनी महरारू यानी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन जब तक फैसला न हो तब तक ऐश्वर्या जी उनकी महरारू तो है ही। नीतीश जी की इस रैली में चंद्रिका राय के अलावा ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। मंच पर उन्होंने नीतीश जी के पांव भी छुए। फिर नीतीश जी जब भाषण देने उठे दबे छिपे ढंग से ऐश्वर्या और तेज प्रताप वाले मसले पर बात छेड़ती। जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी, ये कैसे हुआ। ये सुनकर आरजेडी के समर्थक भड़क गया, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर। सब देख सुन के नीतीश जी तमतमा रहे, उनका तो पारा चढ़ गया और लगे मन से नारा लगाने वालों को फटकार। इतना तक तो ठीक था, लेकिन फटकारते फटकारते दुत्कारते दुत्कारते ये भी कह दिया कि वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। सुनिए सुनिए, यहां पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल, लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। ये क्या कर रहे हैं नीतीश जी, ये क्या कर रहे हैं? सब नेता लोग चुनाव में वोट मांगने जाता है और आप कह देते हैं मन नहीं है तो वोट मत दो। दूत चुनाव में ऐसा होता है क्या? नेता लोग चुनाव के समय जनता को पुचकारते हैं,
उनके सामने हाथ जोड़ते और आप हैं जो वोटरों को धुतकार रहे हैं। माना कि अपनी ही रैली में लालू यादव जिंदाबाद का नारा सुनकर आपका माथा गर्म हो गया होगा, खोपड़िया आउट हो गई होगी, लेकिन इतना गर्माने से क्या फायदा। अब फिर चंद्रिका राय जी के चुनाव का क्या होगा? चुनाव में तो जनता को ही माई बाप कहा जाता है, भाई भौजाई कहा जाता है, और आप हैं कि उल्टा ही काम कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स। आप तो बिहार की राजनीति में मिस्टर कूल कहे जाते हैं, मिस्टर कूल। What happened to your cool, mister? Just ask him. अब आप मिस्टर एंग्री मैन कैसे हो गए? तो भैया वोटर जी, आप लोग भी हमारी बात सुन लीजिए, नहीं तो आई फील वेरी बैड। कह देते हैं, नीतीश बाबू एक बुजुर्ग और सम्मानित नेता है, उनका एहतराम कीजिए। नहीं समझे एहतराम, रिस्पेक्ट कीजिए। उनका बड़प्पन देखिए कि वो खुदा ही कह रहे हैं कि जिसे वोट देना है दे दो, नहीं तो हमारे यहां तो नेता लोग मार पीट के जबरदस्ती वोट ले लेते हैं। इसलिए ऐसे नारेबाजी मत कीजिए, वोट जिसे देना है दीजिए, और नहीं तो मतलब समझ गए ना। कोरोना की वैक्सीन, रोजगार, पक्का मकान, अब जब बिहार में सब कुछ मिल ही रहा है तो सोच रहा हूं कि हम भी वापस बिहार शिफ्ट कर ही जाऊं। तू भी चलेगा मेरे साथ बंदरू? क्यों नहीं, जा शेखरू वहां मैं। आय हाय, अरे दिल लूट लिया राजा, दिल लूट लिया। अरे आप लोग कहां चल दिए, हम तो जुमला बोल रहा था। नेताओं पर प्रोग्राम करते करते हम में भी थोड़ी सी नेतागिरी आ गई है। हम कहीं नहीं जा रहा हूं, हम और हमारा बंदरू कल यहीं मिलेंगे एक नए पोल खोल के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।